अभी तो तीन चार तो और भी लौटा दिए वापस। कैमरे पर रोती बिलखती और अपने बेटे के भविष्य की दुआई देती महिला मोहित की माँ है, जो लंबे समय से HCS की तैयारी कर रहा था, मगर जब परीक्षा का दिन आया तो सेंटर पर किसी कारण से लेट पहुंचा, जिसके चलते परीक्षा सेंटर में उसे एंट्री नहीं मिली। लिहाजा माँ से अपने बेटे का लटका हुआ चेहरा नहीं देखा गया और उसने पहले प्रशासन और फिर मीडिया से मदद की गुहार लगाई। लेकिन कानून तो कानून है, मोहित को लेट होने की वजह से एंट्री नहीं मिली, क्योंकि इससे पहले भी कई छात्र देर से आने की वजह से लौटा दिए गए थे। सर जाम में फंस गए थे, यही तो प्रॉब्लम है, दूर से आए, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है, पैर का प्लास्टर चल रहा है, गाड़ी गेट के आगे खड़ी है सर, मेरे बच्चे के भविष्य की बात है सर। अभी तो तीन चार तो और भी लौटा दिए वापस सर, करवा दो ना सर, मैं आपके पैर पड़ती हूँ सर, करवा दो मेरे। हमारे तो कुछ नहीं, प्रशासन नहीं कर सकता। मोहित अपनी माँ के साथ राजस्थान के खेतड़ी से परीक्षा देने आए थे। रास्ते में जाम मिलने की वजह से परीक्षा केंद्र पर करीब 15 मिनट देर से पहुँचे, जिसके बाद उन्हें बिना परीक्षा दिए ही वापस लौटना पड़ा। इस दौरान परीक्षा के सफल संचालन को लेकर अधिकारी लगातार निगरानी करते दिखाई दिए। HCS का एग्जाम है, उसके लिए हमारी विभिन्न टीमें हैं, मैं और SP साहब और बाकी भी हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर्स और दूसरी पुलिस के दूसरी कर्मी सारे इसकी सभी सेंटर्स को विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एग्ज़ाम बिल्कुल फ्री, फेयर, स्मूथ मैनर में हो जाए। सब जगह सारे अरेंजमेंट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जो भी निर्देश आए थे उसके अनुसार सारे अरेंजमेंट हैं, जैमर के, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और इस प्रकार के सारे अरेंजमेंट हैं और एग्ज़ाम बड़े स्मूथ तरीके से चल रहा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित HCS की परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में प्रशासन मुस्तैद है। रेवाड़ी में DC यशेंद्र सिंह द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।